الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. बुजुर्गों और भाइयों, दीन का काम नियतों के साथ होना चाहिए। क्या नियत है? क्योंकि जिसकी नियत नहीं होगी उसको अजर नहीं मिलेगा। अजर लिमल्ला नियत अला, फिर रिवाजी बात है, रिवाज होते हैं। इसलिए नियत के साथ बात सुननी है, नियत के साथ बात सुननी है। ये काम करेंगे और अल्लाह को राजी रखेंगे। रिद्वान मिन अल्लाह अकबर, अल्लाह का राजी हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, अल्लाह राजी हो गया तो फिर और क्या चाहिए? क्यों? क्या आसमान जमीन जन्नत जहन्नम सब अल्लाह के हाथ में है? किसी के हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। सब फकीर हैं और धोखे में हैं, धोखे में है। और धोखा उसको कहते हैं कि जब वो खुल जाए तो पछतावा हो, उसे धोखा कहते हैं कि मुझे धोखा हो गया। या कि 10 का नोट देना था, मैंने 100 का दे दिया, ये 100 का दिया था 50 लेना भूल गया, धोखा हो गया। तो जब समझ आएगी तो पछतावा होगा। दुनिया धोखे की जगह है, ये कहा, यह आदमी धोखा खाता है। जब धोखा खुलता है तब पछताएगा। इसमें है कि हर आदमी मौत के वक्त पछताएगा। तो पूछो, मौत के वक्त अच्छे लोग क्यों पछताएंगे? बुरे तो पछताएंगे, अच्छे क्यों पछताएंगे? कि अच्छे इसलिए पछताएंगे कि उनको ये पछतावा होगा कि मैंने ज्यादा क्यों नहीं किया, यहाँ तो बहुत मिलता था, यहाँ तो बहुत मिलता था। क्योंकि अल्लाह बहुत देते हैं। कितना देते हैं? बहुत। थोड़े को ज्यादा बनाकर देते हैं, जैसे गोटली को दरक बनाकर देते हैं, और दाने को पौधा बनाकर देते हैं। दाना डाला तो पौधा हो गया, यही मिसाल है अल्लाह के देने की। वैन तक हसन युदाइफा वयुते मिल्लतुन अजरन अजीमा, कि एक भी नेकी होगी तो उसको बड़ा चढ़ा कर देंगे, इससे उसको पछतावा होगा कि मैंने ये क्यों नहीं किया, और होता था या तो और होता। इससे इसको धोखे की जगह कहा गया है कि यहाँ कोई धोखा न खावे। और धोखा वो नहीं खाएगा जो अल्लाह रसूल के वादों पर यकीन करके अपने आप को पाबंद करे, वो धोखा नहीं खाएगा। बल्कि वो अल्लाह के वादों पर खुश हो जाएगा। हादा मा वअदन अल्लाह व रसूल, ये वो चीज़ है जिसका हमसे अल्लाह रसूल ने वादा किया था, तो खुश हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया जो है अपनी जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह है। सही बात यही है। हाँ,
अपनी जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह है ये। और अल्लाह की मदद इतनी आएगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी, सीधी बात है। जितनी जिम्मेदारी बंदा पूरी करेगा इतनी मदद आएगी। अलमाउना तो अला कदर अलमाउना, अल्लाह की मदद इतनी मिलेगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। जिम्मेदारी के बगैर कोई चीज नहीं है, सब धोखा है, सब धोखा है। इसलिए अपने आप को मैंने कहा नियत करके ये करना है कि मुझे अल्लाह की तरफ से आने वाली जो जिम्मेदारी है मुझे उसे पूरी करनी है। सीख करके, पूछ करके, जान करके उसे पूरी करनी है। आदमी का अपनी कामयाबी में इतना ही हिस्सा होगा जितनी उसकी मेहनत होगी। कामयाबी का कितना हिस्सा होगा जितनी उसकी मेहनत होगी। अगर 100% मेहनत है तो 100% कामयाबी है, मेहनत नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ये अल्लाह के जाब्ते कायदे हैं कि आदमी को वो मिलेगा जो उसकी मेहनत में होगा। कैसा लील इंसान है इल्ला माशा। दूसरा जाब्ता ये है कि इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा, कि आदमी को वो मिलेगा जो उसकी नियत में होगा और आदमी वो कमाएगा जो उसकी मेहनत में होगा। इसलिए हम नियत के भी पाबंद हैं और सही मेहनत के भी पाबंद हैं कि हमारी मेहनतें सही हो जाए। सही मेहनत किसे कहते हैं कि सही मेहनत वो होती है जो अल्लाह के नबियों ने की है, वो सही मेहनत है, उस पर वादा है, बाकी किसी मेहनत पर वादा नहीं है। इरादा है होगा तो, इरादा होगा तो मिलेगा, जो नहीं मिलेगा बाद में तब ताजिए तिजारत की मेहनत करता है और खोट में उतरता है, पागल भी हो जाता है। हाँ, खोट में पागल हो जाता है, खुद मर जाता है। क्यों? उसकी मेहनत गलत हुई। इसलिए मेहनत नबियों वाली मेहनत वो अल्लाह के हुक्मों वाली मेहनत होती है। बाजार में चीज़ों की मेहनत, मस्जिद में हुक्मों की मेहनत। मस्जिदें आखिरत के बाजार हैं। मस्जिदें क्या हैं? आखिरत के बाजार, आखिरत की चीज़ें यहाँ मिलेगी, बाकी घर में खाने पीने की चीज़ें वहाँ मिलेगी। इसलिए सही मेहनत मेरे भाई वो है जो अल्लाह के नबियों ने की है। उस मेहनत की गरज ये होती है कि बंदों का ताल्लुक अल्लाह ताला से सही हो जावे। ये पहली बात, मेरा अल्लाह है, मुझे उसने पैदा किया है, मेरी हयात मौत उसके हाथ में है, सारे हालात उसके हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह कि उससे बड़ा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने अपना तारुफ अपनी सिफतों से कराया है। किसे? अपनी सिफतों से। अल्लाह की सिफतों को देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के एक कम 100 नाम, एक नाम जाती बाकी नाम सिफाती। सिफत मैन किए तुम्हारा परवरदिगार, ये कौन है कि वो जो सबको पालने वाला है? और कैसे पालते हैं कि रहमत से पालते हैं। कैसे पालते हैं? रहमत से पालते हैं, माँ बाप मोहब्बत से पालते हैं, और अल्लाह रहमत से पालते हैं। इसलिए दुश्मन को भी रोजी देते हैं, दोस्तों को भी रोजी देते हैं, क्योंकि रहमत का तकाजा यही है।
माँ बाप नाराज होते हैं निकाल देते हैं। हाँ, और अल्लाह, अल्लाह रहमत से पालते हैं। जी हाँ, इसलिए अल्लाह की रहमत से फायदा उठाने के लिए दो चीजें हैं, एक दुनिया के असबाब और अल्लाह के अहकाम। ये दोनों असबाब भी इसलिए पैदा किए हमारी कुदरत से फायदा उठाओ, ये जमीन है, ये माल है, ये उससे फायदा उठाओ, मगर ये फायदा थोड़ा होगा। ये फायदा कैसा होगा? ये थोड़ा। कुल मताउ दुनिया कलील। हे नबी, लोगों को बताओ कि दुनिया का नफा ये थोड़ा। हाँ, चाहे हाकिम हो, चाहे ताजिर हो, चाहे जमींदार हो, उसका नफा ये थोड़ा, और मेहनत ज्यादा, मेहनत ज्यादा और नफा थोड़ा, वो भी गैर यकीनी, पर पता बिल्कुल भी ना मिले। जी हाँ, ये कहा कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का नफा थोड़ा ही है। ज्यादा दिया है तो ज्यादा नफा पहुंचाने के लिए नहीं दिया है, ज्यादा इम्तिहान के लिए दिया है। किसके लिए दिया? इम्तिहान के लिए दिया कि इसमें रखकर अल्लाह तुम्हें देखेंगे कि तुम कैसे चलते हो। हदीस शरीफ में दुनिया के असबाब दे करके अल्लाह देखेंगे कि तुम कैसे चलते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि मुझे बादशाह बना दे, ऐसा बादशाह बना कि ऐसा कोई हो ही नहीं सके, ऐसी बादशाह दे। अल्लाह ने दे दी। हाँ, उन्हें बादशाह के लिए झगड़ना नहीं पड़ा, इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ा, किसी हरीफ को हराना नहीं पड़ा, बल्कि दुआ मांगी। इसमें हम लोगों को सबक है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी दुआ से सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम दुआ नहीं मांगते। क्या तो उनकी दुआ कबूल हो गई और उन्हें बादशाहत मिली, इंसानों पर, जिन्नातों पर, हवाओं पर, परिंदों पर, परिंदों की बोली जानते थे, जिन्नातों से काम लेते थे, दांत के चश्मे बहते थे उनके लिए। वासल वाला नाल वाइन अल्पित्र, दांत तांबा, ऐसा ऐसी बादशाह, ऐसी बादशाह। लेकिन वो ये फरमाते थे कि मुझको ये बादशाह देकर मेरा अल्लाह भी मुझे आजमाएगा कि मैं कैसा करता हूँ। रियबलोनी अशकुर अम अकफुर, कि मैं उसका शुक्रगुजार बंदा बनता हूँ या ना शुक्र बनता हूँ। ये इसलिए ये कहते हैं कि दुनिया का हर आदमी अपनी हालत में इम्तिहान में है। किसमें है? हम सब इम्तिहान में है, अल्लाह हमको देखेंगे। अच्छे हालात का इम्तिहान, नागवार हालात का इम्तिहान, कि अच्छे हालात में कितना शुक्र किया, नागवार हालात में कितना सब्र करके जमे रहे या फिसल गए। तो मैंने अर्ज किया कि दुनिया के असबाब इम्तिहान के लिए दिए गए हैं। जो अपने आप को इम्तिहान में न समझे, आज़ाद समझे, उसका मकसद फौत हो जाएगा, उसका मकसद फौत हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि उसने अपने आप को इम्तिहान में नहीं समझा और इम्तिहान नहीं दिया। इसलिए हर आदमी अपने आप को इम्तिहान में समझे कि मैं इम्तिहान हूँ, जिस जो मेरी हालत है वो मेरा इम्तिहान है, नागवार हालात भी इम्तिहान है, अच्छे हालात भी इम्तिहान है,
इस इम्तिहान में मुझको वो करना है जिससे मेरा अल्लाह राजी हो जाए। जी हाँ, कि हालात असल नहीं है, अल्लाह का राजी होना असल है। हालात तो बदल जाएंगे, उस हाल में जो किया है वो बाकी रहेगा, हालात बदल जाए। बचपना बदल गया, फिर जवानी आई, जवानी बदल गई, फिर सब बुढ़ापा आया, पूरी ज़िंदगी ऐसी है, हालात बदलते रहेंगे और उन हालात में जो अमल किया है वो बाकी रहेगा। इसलिए हमको पाबंद किया है अल्लाह ने अपने हुक्मों का, ईमान दिया ताकि ईमान के तकाजे पूरे करें। ईमान दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान का कलमा है। ये ईमान का क्या तकाजा है? ईमान का क्या तकाजा है? ईमान का तकाजा इताअत है। ईमान का तकाजा इताअत, अल्लाह के इताअत करो। इसलिए नबी आते हैं, ईमान की दावत देते हैं, ईमान की मेहनत करते हैं, और एक ही बात कि अल्लाह के इताअत पर ज़िंदगी आवे। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, कि हमने रसूल इसीलिए भेजा है कि हमारे कहने से वो लोगों को अल्लाह के इताअत पर लावे। तो ईमान का तकाजा क्या है? इताअत। ये सबक असली है, उसी की मेहनत है, उसी की तालीम है, उसी को सीखना है, उसी को सिखाना है, उसी को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। कि बगैर इताअत के कोई जन्नत में नहीं जाएगा, और जन्नत जहन्नम का मसला ऐसा है, नाजुक, बहुत नाजुक, इधर से उधर पट, जैसे फूल पर आदमी जरा फिसला के पानी में, जी हाँ, दूसरी जगह नहीं, पानी है नीचे, फिसला के नीचे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये नज़ाकत समझाई है कि जन्नत जहन्नम का मसला ये हर वक्त सामने होना चाहिए, रस्मी बात नहीं है, इलाज की। हाँ, क्यों? ये फरमाया, कसम खा के फरमाया, कसम खा के फरमाया, नबी हैं और फिर कसम खा रहे हैं, कसम खा के कि मैं उस परवरदिगार की कसम खा के कहता हूँ जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि आदमी के मरने के बाद उसका ठिकाना या जन्नत है या जहन्नम, ये ख़त्म। बस कोई तीसरी जगह वहाँ नहीं है, ऐसा नाजुक मसला है, और मौत का कोई भरोसा नहीं है। जी हाँ, हर मौत हो जाती बख्तन, मौत कैसे आएगी? जो तो अचानक आएगी, अचानक आएगी, हर एक की मौत अचानक। क्योंकि अभी हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, हमारे साथ चाय पीते तो करते हैं, तो बाद में लोग बातें, वो इसी वजह से। तो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोस्तों, ये नज़ाकत समझाइए, इताअत के बगैर जन्नत में कोई नहीं जाएगा। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दुआ सिखाई हमको। क्या दुआ सिखाई? बहुत दुआएं हमको सिखाई हैं कि अल्लाह से ये मांगा करो, ये मांगा करो, ये मांगा करो। क्यों? कि हम तो मांगने से भी बेखबर है और मानने में भी बेखबर है, मानना भी नहीं, मांगना भी नहीं आता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत में भी नबी हैं, अपनी दुआ में भी नबी हैं। तो दुआ मांगी यानी सिखाई,
क्या दुआ सिखाई? اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. अल्लाह मुझे अपना खौफ दे. क्या मांगा? खौफ. अल्लाह मुझे अपना खौफ दे, और ऐसा खौफ दे जो मुझे तेरी नाफरमानियों तक जाने ना दे. जैसे कुएं का खौफ कुएं तक जाने नहीं देता, बच्चे को पकड़ लेता है कुआं है. ये सिखाया खौफ मांगना, कि अल्लाह मुझे अपना खौफ इतना दे कि वो खौफ मुझे तेरी नाफरमानी तक जाने ना दे. जो नाफरमानी पर गया वो हलाक हो गया. तो ये दुआ मांगिए, सिखाइए कि मुझे अपना खौफ इतना दे कि मैं तेरे नाफरमानी तक न जाऊं, कि ये मेरे अल्लाह ने मना किया है, ये हराम है, ऐसा खौफ दे. और दूसरी बात क्या मांगी? वो मिन अल यकीन मा तुहव्विन बिही अलैना मसाइब दुनिया, और मुझको अपने वादों का यकीन दे ताकि दुनिया की मुश्किलात आसान हो जावे. आदमी को किसी चीज़ के मिलने का यकीन होता है तो फिर मुश्किल मुश्किल नहीं मालूम होती. हाँ, नुकसान नुकसान नहीं मालूम होता, क्योंकि इसके बदले में ये मिलने वाला है, होता है ना दुनिया में. सब आदमी को अल्लाह से मिलने का यकीन होता है कि मुझे फलाना चीज़ अल्लाह से मिलेगी, और मिलेगी तकलीफ के बाद वो तकलीफ आसान हो गई. इसको यूँ कहें कि आप को हम नौकरी देंगे, रात की भी है दिन की भी है. दिन की करोगे तो 50,000, रात की करोगे तो 1,00,000. कौन सी लेंगे? कौन सी लेंगे? रात वाली. तो रात का आराम भी, बच्चों के साथ रहना, ये आसान हो गया इसका छूटना, इसका छोड़ना आसान हो गया, क्योंकि 1,00,000 रुपये मिलेंगे. तो जब अल्लाह से किसी चीज़ के मिलने की उम्मीद होती है तो फिर अल्लाह के रास्ते की मुश्किलात आसान हो जाती है, और जब उसका यकीन नहीं होता तो अल्लाह के रास्ते की मुश्किलात अल्लाह के अनुसार से वो घबरा जाए. और मिलने का उम्मीद हो तो यकीन हो तो ये कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इसके पीछे मुझे ये देने ही वाले हैं. तो अल्लाह ताला ने अपने वादे किए हैं इताअत पर, जब उसका यकीन आ जाता है कि मुझको तो अल्लाह ये देने वाले हैं, तो फिर जान खर्चना माल खर्च करना तकलीफ सब आसान हो जाता है, कि मुझे इसके पीछे देने वाले अल्लाह. क्योंकि अल्लाह बन ईमान की वजह से तकलीफ़ों पर भी देंगे और इबादत पर भी देंगे, इताअत पर भी देंगे, ईमान की वजह से बीमारी पर भी देंगे. क्या आदमी बीमार हो गया? हाँ, कि बीमारी रहमत है, तंदुरुस्ती नेमत है. तंदुरुस्ती क्या है? नेमत है, इनाम है अल्लाह का. और बीमारी क्या है? ये बीमारी नेमत है. वो जो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये बीमारी क्या चीज़ है, इसका क्या नफ़ा है? हाल अल कफ़रात, ये बीमारी क्या है? ये तुम्हारे गुनाहों के मिटने का जरिया है, ये बीमारी तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे. जैसे साबुन से मैल निकल जाता है, कपड़े का हो बदन का हो किसी, तो बीमारी से क्या होगा? ये तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे. ये बात तो चूंकि आपकी बात पर यकीन था, तो वही इब्ने काब ने अल्लाह से ये दुआ मांगी, मगर आप लोग मत मांगना कि या अल्लाह मैं सदा बुखार में रहूं. किसमें? सदा बुखार में रहूं, और मुझे ऐसा बुखार में रख कि न मेरी नमाज फौत हो, न मेरा उमरा फौत हो, न मेरा हज फौत हो, न मेरा अल्लाह के रास्ते में जाने का फौत हो, मगर रहूं बीमार.
ताकि ये सारी चीज़ों का सवाब भी रहे और बीमारी की फजीलत भी मिले, ये यकीन की बात है। इसलिए कहा वमिनल यकीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया, कि अल्लाह मुझे ऐसा यकीन दे दे कि दुनिया की मुसीबतें आसान हो जाए। दुनिया के नफा मिलता हो तो दुनिया की मुसीबत आसान, ये रात को जागेंगे नौकरी करेंगे लाख रुपये मिलेंगे। तो यकीन मांगा कि अल्लाह मुझे अपना यकीन दे, अपने वादों का यकीन दे कि मेरा अल्लाह मुझे ये देने वाला है, क्योंकि अल्लाह तो बहुत देते हैं, अल्लाह बहुत गिन के नहीं देते। हाँ, ताजिर गिन के देता है, शखी गिन के देता है, ताजिर गिन के देगा क्योंकि वो खोट आती है, और शखी शखी भी गिन के देगा, लेकिन करीम बगैर गिने देगा। अल्लाह करीम है, अल्लाह कौन है? करीम। हाँ, इसलिए बदलून ने अल्लाह की सिफतें समझाई थी, अल्लाह करीम है, तुम्हारा मामला करीम के साथ है। किसके साथ? कि तुम्हारा मामला करीम के साथ है, कि अल्लाह करीम है, कि तू मांगने का इंतजार नहीं करेगा कि मांगे तो दूं, और हिसाब भी नहीं रखेगा, बेहिसाब देगा और देता ही रहेगा, दुश्मन आवे दोस्त आवे। इसलिए हमको हिदायत है कि अल्लाह से लेने वाले बनो। कोई क्या देगा, कोई क्या देगा, तुम अल्लाह से लेने वाले बनो, अल्लाह से खैर मांगो। फरमाते थे अल्लाह से अचानक की खैर मांगो, हदीस शरीफ में कि अल्लाह से ऐसे खैर मांगो अचानक, ए अल्लाह मुझे अचानक की खैर दे दे, और अचानक के शर से पना मांगो कि अल्लाह अचानक की कोई शर ना आवे, अचानक की कोई मुसीबत ना आवे, अचानक की खैर दे दे। कितनी खुशी होगी, अचानक खैर आ गई, ये सिखाया है। अल्लाह से लेने वाले बनो, क्योंकि अल्लाह अपने इताअत पर बेहद देंगे। इताअत के लिए पैदा किया है, इताअत के लिए रसूल भेजे हैं, तो इताअत कितनी करनी है। मोमिन इताअत है कि माँ तो बल्ले को ना बेही जन्नत तक, कि मुझको अपने इताअत इतनी नसीब कर कि मैं जन्नत में चला जाऊँ, वह किस्सा ख़त्म हो गया। कि मुझे इताअत इतनी नसीब कर कि मैं कहाँ जाऊँ, जन्नत में, नबियों के साथ, शहीदों के साथ, वलियों के साथ, इतनी इताअत मुझे दे दे कि मैं जन्नत में चला जाऊँ। क्योंकि जो जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब हो गया। कौन कामयाब हुआ? फमन ज़ुहज़िहानिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फाज़। ये जो जहन्नम से बचाया गया दो और जन्नत में दाखिल किया गया वो हुआ कामयाब, ये असली कामयाबी। बाकी धोखा, बाकी धोखा। हाँ, माल भी है और जन्नत नहीं मिली, हुकूमत भी है जन्नत नहीं मिली, जमींदारी है जन्नत नहीं मिली, अहदेदारी है जन्नत नहीं मिली, कि फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों एक रास्ता है ये इताअत का, जिंदगियां इताअत पर आवे, माल से इताअत करें, जान से इताअत करें, नियत से इताअत करें, हर चीज़ से इताअत करनी है। जितनी कुव्वतें हैं वो इताअत में खर्च हो। हमारी कुव्वतें किस में खर्च हो? इताअत में। नबी के पास एक अजब नुस्खा होता है कि वो दुनिया को दीन बनाना सिखाते हैं, जैसे कोई तांबे को सोना बनाना सिखावे, कीमियागर, कीमियागर है, तांबे को सोना बनाता है, तो बड़ा कीमियागर ये तांबे को सोना बनाता है, कि नबी उससे बड़ा कीमियागर ये दुनिया को दीन बनावे।
जिसने अपनी दुनिया से दीन बनाया वो धोखे से बच करके हमेशा की कामयाबी में चला गया। ये दुनिया से दीन बना लिया, दुनिया से दीन बनाया। अल्लाह ताला दुनिया तकसीम करके देते हैं, कैसे देते हैं? तकसीम करके देते हैं, उम्रें तकसीम करके देते हैं। इसको इतनी उम्र मिलेगी, इसको इतनी उम्र मिलेगी, इसको इतनी रोजी मिलेगी, इसलिए तफावत रहता है। क्या रहता है? तफावत। हर चीज को तकसीम करके देते हैं। वो देते हैं इसलिए कि ये अपनी दुनिया से दीन बनावे। तो दुनिया से दीन बनाने का क्या नुस्खा है? भाई सोना बनाने का नुस्खा सिखाओ। सोना बन जाएगा, बन जाता है। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के तस्करे में लिखा है कि उनके जमाने में एक मजदूर थे, तो जब ये सबक पढ़ने जाते थे तो वो मजदूर अल्लाह वाले होते हैं ना, वो पहचानते हैं, तो वो कहते थे कि रशीद मुझे मिलना, सोना बनाना सिखा दूंगा, क्योंकि मुझे तो सबक पढ़ना है, मुझे तो सबक पढ़ना है, छुट्टी नहीं है, ये जुमा को देखना। क्या अच्छी बात, अब जुमा आया तो भूल गए, नहीं गए, तुम आए नहीं कि मैं तो भूल गया। वो सचमुच सोना बनाना जानते थे। जी हाँ, पता नहीं कैसे बनाते थे, तो वो सचमुच कुछ जड़ियां बुट्टियां वो जानते थे। ठीक है, तुम मेरे पास आओ, मैं बनाऊंगा। वो गए ही नहीं कि हमें सोना नहीं बनाना है, हमें तो दुनिया से दीन बनाना है, कि मुझे तो सबक पढ़ना है, मुझे तो सबक पढ़ना है, मेरे पास वक्त नहीं है। तो सोना बनाते हैं लोग। हमको दुनिया से दीन बनाना सिखाया कि अपनी दुनिया से दीन बनाओ। तुम्हारी तिजारत दीन, तुम्हारी ज़राअत दीन, तुम्हारी मजदूरी दीन, तुम्हारी अहदेदारी दीन, तुम्हारी बीमारी दीन, तुम्हारी तंदुरुस्ती दीन, सब चीज़ें दीन बन जाएगी। वो सब तरह से इनामात आएंगे। तिजारत को इनाम मिला, क्यों? तिजारत को दीन बनाया। ज़मींदारी का इनाम मिला, ज़मींदारी का इनाम मिला, क्योंकि ज़मींदारी को दीन बनाया। अहदेदारी का इनाम आया, क्योंकि अहदेदारी को दीन बनाया। मजदूर था, मजदूर कुली, ये मजदूरी का इनाम मिला, क्योंकि मजदूरी को दीन बनाया। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे दीन में हर शोबे के फजाइल हैं, हर शोबे के मसाइल हैं, हर शोबे के फजाइल, हर शोबे के मसाइल। नमाज के फजाइल, नमाज के मसाइल, नमाज के फजाइल के नमाज से क्या मिलेगा, नमाज के मसाइल के नमाज किस तरीके से सही होगी, किस तरीके से मकरूह होगी, ये मसाइल। ऐसे तिजारत के मसाइल, तिजारत के फजाइल, ज़मींदारी के फजाइल, ज़मींदारी के मसाइल, मजदूरी के फजाइल, मजदूरी के मसाइल। क्यों? कि हर तबके के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, हर तबके के लिए नबी हैं, तो उनको अपने काम के फजाइल बताए, अपने काम के सही तरीके बताए, ताकि वो जिस तबके में है वो उसका काम दीन बने। ताजिर की तिजारत दीन बने, मजदूर की मजदूरी दीन बने, हाकिम की हुकूमत दीन बने, गरीब की गरीबी दीन बने, मालदार की मालदारी दीन बने, कोई महरूम ना हो, कोई महरूम ना हो। रहमतुल लिल आलमीन, सब के लिए रहमत बना के भेजा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर आना जरूरी है। तो हमको सिखाया कि तुम्हारी दुनिया दीन बनेगी, या कैसे बनेगी, कि तुम अपनी दुनिया में हर काम में अल्लाह का हुक्म देखो कि इसमें अल्लाह का हुक्म क्या है। ये पहली शर्त है ईमान के बाद, कि हर मुसलमान कि मेरे काम में अल्लाह का क्या हुक्म है।
अल्लाह के हुक्म दो तरीके से होते हैं, करने के भी बचने के भी, दोनों किस्म के होते हैं, करने के भी होते हैं और बचने के भी। पूरा तोलो अधूरा ना तोलो, यूं दो हर काम में। अल्लाह के काम दो तरीके से होते हैं, इम्तिसाली इम्तिनाई उसको कहते हैं, हुक्म बजा लाने के भी होते हैं, हुक्म बचने के भी होते हैं। इन तो देखो कि बचने का क्या हुक्म है और करने का क्या हुक्म है। जैसे सड़क पर है ना, दो लाइन है, एक बचने के लिए एक अपने जाने के लिए। रोजाना देखते हैं कि भाई लाल बत्ती है कि बचने के लिए, और ये हरी बत्ती हो गई कि ये जाने के लिए। तो दीन बनाने के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह का हुक्म जानना जरूरी है। जो अल्लाह का हुक्म ना जाने रस्मी रिवाजी तौर पर करे तो वो दीन नहीं बनेगा, उसकी कोशिश बेकार जाएगी और मौत पर उसको अपना नुकसान नजर आएगा। इसलिए पहली जिम्मेदारी कि जिंदगी अल्लाह के क्या हुक्म है वो देखो। नबी हुक्मों के साथ आया है, हुक्मों की तबलीग की है, उसको इल्म कहते हैं कि दीन का इल्म लो, दीन का इल्म लो, दीन का इल्म सीखो। जैसे आप दुनिया की ज़रूरतों के लिए दुनिया का इल्म सीखते हो, कोई सरकारी काम आ गया, कोर्ट कचहरी का काम आ गया तो भाई वकील के पास चलो, वकील के पास जाते हैं। तंदुरुस्ती बीमारी का काम आया तो ये डॉक्टर से पूछो, बिल्डिंग बनानी है कि बिल्डर के पास जाओ, क्योंकि उनको मालूम है हमको मालूम नहीं है, सब चीज़ें सबके पास नहीं होती। कि दीन सीखने के लिए कि दीनदारों के पास जाओ, इल्मदारों के पास जाओ और अल्लाह का हुक्म मालूम करो ताकि हम तुम्हारी दुनिया दीन बने। तो ये पहली बात है दुनिया को दीन बनाने के लिए कि हर काम में हुक्म, असबाब भी देते हैं अहकाम भी देते हैं। क्या देते हैं? आँखें भी दी हैं, आँखों के हुक्म भी दिए हैं, कान दिए हैं, कानों के हुक्म भी दिए हैं, हर चीज़ असबाब के साथ अहकाम। दुनिया में भी ये दस्तूर है कि आपको कोई काम करना है लाइसेंस लो, कि बंदूक लेनी है कि हाँ, मगर कैसे लो? लाइसेंस से लो। तिजारत करो कि लाइसेंस है, उसको हुक्म कहते हैं कि हमारा ये काम हुकूमत के हुक्म के तहत में है। हाँ, और गलत तरीके से बंदूक रखी है तो चाहे खरीद के ला जाए तो अभी गुना, ये बंदूक लाया लाइसेंस है, ये बगैर लाइसेंस के बंदूक अपने माल से खरीदी है तो भी गुना, ये हुक्म तोड़ा है, ये कानून है। ये अल्लाह भी कहे कि हमारी हमारा हुक्म पहले हुक्म देखो कि अल्लाह ने इसमें क्या हुक्म, खाना हो, पीना हो, पहनना हो, ओढ़ना हो, हर काम इसमें अल्लाह के हुक्म है। और हुक्म पर क्या मिलेगा, उसके वादे हैं। खाली हुकूमत पर ताबेदारी नहीं, दुनिया की हुकूमतें तो फकत ताबेदारी कराती है, अल्लाह ताबेदारी भी कराएगा और इनाम भी देगा। ताजिर को तिजारत का हुक्म पूरा करने से इनाम मिलेंगे, ज़मींदार को ज़मींदारी का हुक्म पूरा करने से इनाम मिलेंगे, मजदूर को मजदूरी का हुक्म पूरा करने से इनाम मिलेंगे। जी हाँ, इसको वादा कहते हैं, अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है। इसलिए ज़िंदगी हुक्मों पर लानी है, दुनिया को दीन बनाने की पहली शर्त यह है कि तबलीग जो है ना वो दीन समझने के लिए है, तकरीर करने के लिए नहीं है। अल्लाह के रास्ते में फिरो ताकि हुक्मों की अहमियत अजमत आवे, आखिरत की फिक्र आवे, ताकि हुक्मों पर रुक जाओ, वरना हुक्मों पर रुक नहीं जाता, दुनिया की चीज़ों पर जाता है। 100 है तो 1000 बना, 1000 है तो 10000 बनाइए। तो पहली बात यह है कि अल्लाह का हुक्म क्या है दुनिया से दीन बनाने के लिए।
पूछे जानने वालों से, इलम वालों से कि इसमें अल्लाह का क्या हुक्म है, ये मैं कर रहा हूँ। दूसरा कि उस हुक्म के पूरा करने का तरीका क्या है, उस हुक्म के पूरा करने का तरीका क्या है, वो तरीका नबी बताएगा। हुक्म खुदा देगा, तरीका नबी बताएगा। नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया है आसमान से, और नमाज पढ़ने का तरीका आपने बताया कि ऐसी नमाज पढ़ना जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसे नबी के तरीकों को देखा जाएगा। वो हमारी असली कमाई है कि जिंदगी तरीकों पर आई, जिंदगी तरीकों पर आई, कि जिंदगी जितने तरीके पर आई वो हमारी कमाई है। जूता सुन्नत के मुताबिक पहना है कि जूते की कमाई हो गई, जूता पहनने की कमाई हो गई कि जूता सुन्नत से पहना है कि नूर बनेगा, जूता पहनना नूर बनेगा, सुन्नत में नूर है। सुन्नत में क्या है, सुन्नत में नूर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नूर देकर भेजा, बच्चा कुरान शरीफ भी नूर, नबी भी नूर। कुरान हुक्म है और रसूल सल्लम में तरीक़ों हैं, वहाँ हुक्म का नूर है, वहाँ तरीक़ों का नूर है। वंजलना इलैकुम नूरम मुबीना, तुम्हारे पास खुला नूर उतारा है, वो कुरान है। वज्जा इलैकुम वंजलना इलैकुम नूरम मुबीना, ये तो कुरान के बारे में, और रसूल सल्लम के बारे में भी यही फरमाया, ये नबी, ये नबी को हमने ये नूरानी तरीक़ा देकर भेजा है, ये नबी के तरीक़ों में नूर है। जितनी जिंदगी तरीकों पर आएगी उस उन तरीके से हुक्म पूरा होंगे कि ये दीन बनेगा, चाहे जूता पहनना हो, चाहे जूता उतारना हो। जूता उतारना भी दीन बनेगा, जूता पहनना भी दीन बनेगा। किस वजह से, कि तरीकों की वजह से। तो दीन बनाने के लिए हुक्म देखा जाएगा, तरीके देखे जाएंगे। तीसरी बात कि नीयत देखी जाएगी कि किस नीयत से कर रहे हो, किस नीयत से हुक्म पूरा कर रहे हो, किस नीयत से अमल कर रहे हो। जब वो नीयत सही होगी, इखलास वाली, कि अल्लाह के लिए, अल्लाह का हुक्म अल्लाह के लिए, नबी का तरीका अल्लाह के लिए, और कोई गलत नहीं, दुनिया को दिखाना नहीं है, और कोई मतलब नहीं है, आखिरत बनानी है, अल्लाह को राज़ी करना है। मुसलमान के पास दो ही चीज़ें होती हैं, वो आखिरत बनावे, अल्लाह को राज़ी करे। यब तगुना फ़ज़लम मिन अल्लाह व रिदवाना, ये सहाबा की सिफत है। ये सहाबा क्या चाहते थे, कि वो अल्लाह का फजल चाहते थे और अल्लाह की रजा चाहते थे। अल्लाह के फजल में जन्नत है, ये सब चीज़ें हैं। जी हाँ, तो अपनी नीयत सही बनानी चाहिए। जी हाँ, फिर कि फिर दुनिया दीन बन गई, दुनिया दीन बन गई, ताजिर की तिजारत दीन बन गई, जमींदार की जमींदारी दीन बन गई, मजदूर की मजदूरी दीन बन गई, गरीब की गरीबी दीन बन गई। वो कोई वो नुकसान में नहीं है, हाँ उसको अल्लाह इस पर देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगियों को दीन पर लाना है। क्या करना है, ये जिंदगियों को दीन पर लाओ, क्योंकि दो दुनिया में दो लाइनें हैं, एक लाइन है अपनी ख्वाहिशात की, एक लाइन है हुक्मों की, हवा और हुदा उसको कहते हैं, ये ख्वाहिशात है और ये हिदायत है। अपनी ख्वाहिशात में से अपने आप को हक पर और हिदायत पर लाना, ये जिम्मेदारी है, नहीं तो आदमी अपनी ख्वाहिशों पर चल पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता आसान है और मीठा भी है। ख्वाहिशात का रास्ता आसान और मीठा, कोई कैद नहीं, कोई पाबंदी नहीं, जो चाहो करो। जी हाँ, ये ख्वाहिशात का रास्ता है। जी हाँ, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो रास्ता हक का है उसकी इब्तिदा नागवारियों से होगी, इंतहा कामयाबियों से होगी। हक के रास्ते पर चलोगे तो पहले नागवारी आवेगी, वो नागवारियाँ बर्दाश्त हो गई तो जिंदगी हक पर आ गई, अब कामयाबी हो गई। जैसे बीमार
उसको दवा कड़वी लगती है, इलाज अच्छा नहीं लगता, लेकिन इलाज कामयाब हो गया और इलाज पूरा हो गया, अब वो तंदुरुस्त हो गया, अब कुछ नहीं है, जाओ अपना काम करो, कोई बात हो तो आ जाना, डॉक्टर यूँ कहता है, आप जाओ अब, इलाज हो गया। तो ये बात है। तो फरमाया कि हक का जो रास्ता है उसकी इब्तदा नागवारियों से है, इंतहा कामयाबियों से है। इसे नागवारियाँ बर्दाश्त करनी है ताकि ज़िंदगी में दीन आवे, मेहनत करनी है, तकलीफ बर्दाश्त करनी है, किसके लिए, दीन के लिए, फिर ज़िंदगी में दीन आ जाएगा, हाँ जी, दीन से ताल्लुक़ हो जाएगा। जन्नत के रास्ते में नागवारियाँ हैं, दोजख के रास्ते में ख्वाहिशात है, हदीसों में है, ख्वाहिशात की दोजख का रास्ता और जन्नत का रास्ता कि नागवारियों का रास्ता, ये थोड़ी नागवारी आएगी, आदमी रोज़ा रखता है तो नागवारी होती, नमाज पढ़े नागवार लगता है, अच्छा नहीं लगता, नफ्स पर बोझ पड़ता है। जी हाँ, क्योंकि हक कड़वा होता है, बातिल मीठा होता है। हक कैसा होता है? कड़वा, और बातिल या मीठा। हक भारी होता है, बातिल हल्का होता है। सहाबा के मवाइद में ये लिखा हुआ है कि हक भारी होता है, ईशा की नमाज भारी लगती है, फजर की नमाज भारी लगती है, लेकिन सवाब ईशा और फजर में ज़्यादा है ना, हदीसों में कि जो ईशा जमात से पढ़े और फिर फजर भी जमात से पढ़े तो क्या मिलेगा, कि सारी रात इबादत में खड़ा रहा, ऐसा सवाब मिलेगा। ये दोनों नमाजें भारी हैं ईमान की कमजोरी की वजह से। मुनाफिकिन को ये नमाज भारी लगती थी, क्यों, फिर में ईमान ही नहीं है, दिखावे के लिए पढ़ते थे तो भारी लगती थी। तो हक भारी होता है, तबलीग का और दीन की बातों का भारी होना ये उसके हक होने की अलामत है। अगर उसके भारी होने की वजह से फिसल गए तो फिर बातिल के रास्ते में चला जाएगा। जी हाँ, यह कड़वा होता है, कैसा होता है, कड़वा, और बातिल क्या, मीठा। शुद्ध खाना मीठा, सदका करना कड़वा, सदका करना कड़वा लगता है और शुद्ध खाना, शुद्ध खार को मीठा लगता है। जी हाँ, ये बातिल है, ये हक है, ये बातिल है। सूद, ये सूद खाने वाले पर लानत होगी और सदका करने वाले पर रहमत होगी, उसकी बलाएं दूर होगी, उसकी गुनाह माफ हो जाएंगे। ये कयामत में हर आदमी अपने सदके के साये में होगा। फरमाया कब्र में तपिश होगी, क्या होगी, जैसे गर्मी के ज़माने में ये रेती सीमेंट के मकानों में तपिश होती है, तो फिर क्या करते हैं, क्या करते हैं, एसी लगाते हैं ये ठंडक रहे। तो बच्चा कब्र की एसी क्या, फरमाया सदका करना, सदका ये कब्र की ठंडक, ये बताया। तो सदका भारी लगता है और सूद खाना मीठा लगता है, इसलिए मेरे दोस्तों इसमें तमीज़ करनी है कि हक क्या है। जब बात हक मिल गई फिर उसको न छोड़े, उसको न छोड़े, उसका पाबंद बने। फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताबा मअका, ये हुक्म है, फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताबा मअका। आप ए नबी, जो बात, जिस बात का आपको हुक्म आवे आप उसके पाबंद हो जाइए, पहला हुक्म। और जो आप पर ईमान लाए हैं तौबा करके वो भी इसके पाबंद हो जाए। तो नबी को और उम्मत को एक ही हुक्म दिया है, वो क्या, कि पाबंद हो जाओ, फिसलने वाले न बनो, पाबंद बनो। फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताबा मअका,
हे नबी आप भी पाबंद बनाओ। हुजूर फरमाते थे ये आयत मेरे ऊपर बहुत भारी है, सूरह हुद की आयत है, जैसा हुक्म है वैसा करो, तो बहुत भारी बात है ना। तो ये हुक्म है, तुम जो कुछ मिलेगा मेरे दोस्तों वो तो इस रास्ते से मिलेगा कि अपनी जिंदगी को पाबंद बनाया है, तो वो जिंदगी कीमती हो जाएगी। हाँ, जिंदगी तो गुजरने वाली है, वो तो हर हाल में गुजरेगी। हाँ, लेकिन इन चीज़ों के साथ गुजारा है कि अल्लाह का क्या हुक्म है, नबी का क्या तरीका है, मेरी क्या नीयत है, मैं अपनी दुनिया को दीन बनाऊँ, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और शैतान दुनिया का नुकसान भी समझाएगा कि तुम्हारी दुनिया का नुकसान होगा। हदीसों में है कि जब कोई आदमी मुसलमान होता है तो शैतान उसको कहता है कहाँ जा रहा है, खानदान कहाँ, तू कहाँ, और फिर किन लोगों में रहेगा, इसको बहकाना कहते हैं। बहकाना उसका काम है। हाँ जी हाँ, लेकिन वो कह नहीं, मुझे तो अल्लाह ने एक रास्ता दिया है, मैं उसी पर रहूँगा, नहीं तो वो बहकावेगा। हर आदमी को अलग अलग तरीके से वो बहकाता है, उसके पास इसका फन है। क्या है उसका फन है कि किसको किस तरह बहकाना। जी हाँ, इसलिए हमको हो क्योंकि शैतान के शर से पना मांगो कि अल्लाह मुझे इससे बचाए, वरना वो आदम के औलाद को बहकाना ये उसने अपने जिम्मे लिया है कि मैं इनको बहकाऊंगा, बहुत थोड़े होंगे ये अल्लाह जो तेरे हुक्मों की कदर करेंगे, तेरे शुक्रगुजार बनेंगे, ये तो बहुत थोड़े होंगे, अक्सरियत को मैं बहकाऊंगा। ये उसने चैलेंज किया है और अल्लाह के सामने किया है, इससे ज्यादा कोई बेअदब नहीं है। जी हाँ, इसलिए हमें कि हमें चौकन्ना रहना है। क्या रहना है? चौकन्ना रहना है। हाँ, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है कामयाब बन जावे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाबी का रास्ता लेकर आए हैं, उस रास्ते की मेहनत लेकर आए हैं, उस रास्ते की तालीम लेकर आए हैं, उस रास्ते के हुदूद हुकूक बताए हैं कि इसकी ये हद है, इसका ये हक है। इसलिए अपने दीन को सीखना, समझना, उसका जानना ये ज़रूरी है, और उसकी समझ पैदा करनी है। जब मेहनत करेंगे तो जो आदमी जिस लाइन की मेहनत करता है उस लाइन की उसमें समझ पैदा होती है, उसकी समझ चलती है। आदमी समंदर है ऐसा बना है, जिस लाइन की वो मेहनत करे उस लाइन की उसकी समझ बढ़ती है। अगर अगर शर की मेहनत करे तो उसको शर के इतने तरीके याद हो जाते हैं कि और खैर की मेहनत करे तो कि उसको खैर के इतने तरीके समझ में आते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और अल्लाह के खजानों से फ़ायदा उठाने वाला होता है। इसलिए अपनी सलाहियतों को हक पर लगाना है। किस पर? हक पर लगाने का, हमारी सलाहियतें हक पर लगे। नबी यही चाहते हैं कि अपनी सलाहियतों को हक पर लगाओ, वो नहीं कहते कि दुनिया छोड़ो, बच्चे छोड़ो, बीवी छोड़ो, माँ ये मकसद नहीं है। इसलिए इस काम को समझने की ज़रूरत है। दावत और तबलीग, इसको समझने की ज़रूरत है। जो बगैर समझे करेगा वो बगैर समझे छोड़ भी देगा। हाँ, इसलिए करके बैठ जाते हैं। क्यों? कि बगैर समझे चले थे, बगैर समझे बैठ गए, क्या गया क्या आया कुछ नहीं, ये होता है। वो जो समझ के करेगा वो कैसे छोड़ेगा? वो जानता है क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या नतीजा आएगा, वो कैसे छोड़ेगा वो? इसलिए दीन की समझ पैदा करना ज़रूरी है। दीन का काम करने से, वो दीन की मेहनत करने से दीन की समझ मिलेगी। फायदा है कि जिस लाइन की मेहनत करोगे उस लाइन की समझ मिलेगी। गुनाह की मेहनत करेगा तो गुनाह की समझ बढ़ेगी, उस गुनाह के बहुत तरीके याद हो जाएंगे। हाँ, सलाहियतें हैं। नबी की दावत का ये मकसद है कि एक एक मुसलमान अपनी सलाहियत को दीन पर लगावे,
ताकि आखिरत ख़राब ना हो। उनको अल्लाह आखिरत देंगे हमेशा के लिए आबाद करके, और दुनिया देंगे बरकतों के साथ। आखिरत हमेशा के लिए देंगे आबाद बनाकर। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, रहो बस। जन्नती को पूछेंगे कि जाना है घर, पूछेंगे जाना है अपने बच्चों में, तबलीग वाले पूछेंगे घर जाओगे, कि हाँ मशवरा होगा जाऊंगा। तबलीग वाला ये कहेगा कि आप लोग मशवरा करो तो घर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, उसूली आदमी है। लेकिन जन्नती नहीं कहेगा कि मुझे घर जाना है, क्यों? कि वो अल्लाह का इकराम देखेगा, मेरा अल्लाह ने मेरा इकराम किया है, इसलिए वहां नहीं जाना है, कचरा पूंजा है वहां। जी हाँ, वहां नहीं जाना, वो नहीं चाहेगा कि दुनिया में जाए। ला ये बहु नाधा है वाला, जन्नत ही जन्नत में पहुंच गया कि हम नहीं जाना है, और यहाँ रहेंगे आपके पास, अल्लाह के पास। जी हाँ, जन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह से जन्नत मांगो। जब मुसलमान अल्लाह से जन्नत मांगता है तो जन्नत अल्लाह से कहती है कि अल्लाह ये मुझे मांग रहा है उसको दे दीजिए ना मुझे। हदीसों में है, ये मुझे मांग रहा है तो ये अल्लाह मुझे इसको दे दीजिए। वो भी हमारे साथ है, जन्नत दिलाने में जन्नत साथ। और जब दोजख से बचने की दुआ मांगता है कि अल्लाह मुझे दोजख से बचा, तो दोजख कहते हैं अल्लाह ये मुझसे बचना चाहता है, आप इसको मुझसे बचा लीजिए। ये होता है, इसलिए दीन जानना जरूरी है। क्या जानना? दीन जानना जरूरी है, दीन को सीखो, दीन को समझो। जब मेहनत होगी, अब मेहनत छूट गई है तो अब दीन रस्म रिवाज में रह गया। मौलाना अली साहब ये कहते हैं, पहली उम्मतों में दीन रस्म रिवाज में रह जाता था, अमल में नहीं होता था, इखलास में नहीं होता था, कुर्बानी में नहीं होता था। तो नया नबी आता था, नया नबी अल्लाह भेजते थे, और वो उनको रस्मियत से निकाल कर हकीकत पर लाते। अब नया नबी कोई नहीं आएगा, अब हमको ही हकीकत पर आना है कि दीन वालों से दीन सीखो, इलम वालों से इलम सीखो, इखलास वालों से इखलास सीखो। जैसे दुनिया जिसके पास थोड़ी होती है वो ज़्यादा ज़्यादा दुनिया वाले के पास जाता है ताकि उसको दुनिया से फ़ायदा उठाए। ऐसे अब अल्लाह ताला उम्मत को उम्मत से दीन देगा, उम्मत को उम्मत से दीन देगा, नबी नहीं आएगा। उम्मत के अहले इलम होंगे, उम्मत के अहले हक होंगे, कि उनके साथ वाबस्ता होना है, उनकी उनसे रहबरी लेनी है और अपनी मेहनत लगानी है, अपनी मेहनत लगानी है। जी हाँ, रहबरी के साथ। जो रहबरी हक हमारे बड़े हमको देते हैं उनकी रहबरी पे रहना है, और मेहनत करनी है, तो फिर कि अल्लाह फिर बरकत देगा, काम की बरकतें जाहिर होगी। हाँ, और बरकत देकर दुनिया के मसले को अल्लाह आसान करेगा। बरकतों का ये असर हो, जब बरकत हो जाती है मसला आसान हो जाता है, बरकत उठ जाती है तो उलझने खड़ी होती है। दुनिया तो बहुत मिलती है उलझनों के साथ, उलझनों के साथ होती है। हाँ, और जब राजी होकर देते हैं तो बरकतों के साथ देते हैं, तो दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है। जी हाँ, इसलिए मेरे भाइयों जिंदगियों को दीन पर लाना है, और इसीलिए मेहनत करनी है, नकलो हरकत करनी है, उसकी फजीलतें याद करनी है कि मुझे अल्लाह क्या देने वाला है, और अमल न करने पर क्या सज़ा होने वाली है। सजाएं भी बहुत सख्त है, सजाएं कि बहुत सख्त सजाएं, अल्लाह बचावे। दुनिया की सजाएं भी सख्त होती है, आखिरत की उससे भी ज़्यादा। जी हाँ, इसलिए अपनी ज़िंदगी को एक मकसद पर लाना है, वो है अल्लाह ताला का दीन। हर काम में पहले मेहनत होती है फिर मकसद हासिल होता है, मेहनत नहीं होती तो मकसद हासिल नहीं होता। इसे दीन में भी कि पहले दीन की मेहनत होगी, सही उसूलों के साथ, सही तरतीब के साथ मेहनत करें, पूछ के चलें, मान के चलें,
फिर कि फिर अल्लाह ना उम्मीद नहीं करेगा, फिर अल्लाह ताला दिन देगा, वो दिन दिन बरकतों के साथ आएगा, दुनिया की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी, बरकतें आएगी, दुआएँ कबूल होगी, दुआएँ कबूल होगी। दुआओं कबूल होना ये मुस्तकिल इनाम है जो इताअत पर मिलता है, कि जितनी इताअत होती है इतनी कबूलियत होती है। जी हाँ, तो दुआओं में कबूलियत आती है, फिर जो मसला है आपने अल्लाह से मांगा और अल्लाह से मांग कर मसला को हल करा है। आसान रास्ता कि तुम्हारी दुआओं में कबूलियत आएगी, दुआ इनाम है अल्लाह ताला का, वो हमको दी है कि दुआ वाली बनो, दुआ वाली बनो, अल्लाह से मांगने वाली बनो, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करके मांगो, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करके मांगो। हाँ, कि फिर ना मुराद नहीं होगा कि अल्लाह ताल्लुक़ पैदा करो, अल्लाह के हुक्मों में जान मान लगा कर अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा किया जाता है, अपनी ख्वाहिशों में से निकल कर हुक्मों पर चलने से ताल्लुक़ पैदा होता है, फिर ताल्लुक़ वादे की बात रद्द नहीं होती। ये जो हमारा ताल्लुक है, ये ताल्लुक़ वाले की बात रद्द नहीं होती, इसे दुआओं में कबूलियत आएगी दीन के काम करने की वजह से। और ये अल्लाह का बड़ा इनाम है कि दुआ कबूल होने लगे, फिर किस्सा ही ख़त्म कि हमारे मसले आसमान से हल होंगे, हमारे मसले आसमान से हल होंगे, क्योंकि इसकी दुआ मांगी थी। जी हाँ, ये बड़ा इनाम है ईमान की वजह से, इसलिए ईमानी ज़िंदगी बनानी है, ईमान की मेहनत से ईमानी ज़िंदगी बनती है, नहीं तो हैवानी ज़िंदगी बनेगी, खाना पीना ये। जी हाँ, इसलिए हमें एक रास्ता दिया है, ये उसकी मेहनत पर ये सब चीज़ें मिलेगी, जब सर मेहनत सही होगी, मेहनत मकसूद नहीं होती, उसका नतीजा मकसूद होता है। इसलिए खाली मेहनत करके मुतमिन नहीं हो जाए कि मेरा चिल्ला लग गया, मेरे चाय में लग गए, हासिल क्या हुआ ये देखना है, खाली वक्त पूरा करना काफ़ी नहीं है, वक्त तो काम के लिए पूरा होता है। हाँ, कि उसका जो वक्त जो है वो तो काम पर लगाना है, खाली वक्त पूरा करके कारगुजारी सब गुजारी मकसूद नहीं है, कारगुजारी सब गुजारी भी करनी है, लेकिन असल चीज़ हासिल होने के लिए, असल चीज़ कि यकीनों ईमानों में यकीन आवे, नियतों में इखलास आवे, अमल में इस्तेकामत आवे, हाँ गुनाह है तो तौबा पर आवे, ये इस्लाह की शक्लें हैं कि गुनहगार था और अल्लाह के रास्ते में जाकर तौबा मिली, तो अब रो रहा है अल्लाह के सामने कि मैंने तो ये किया है, मैंने तो ये किया है, ऐसे बहुत हुआ ऐसे। जी हाँ, तौबा मिली तो अब डर लग रहा है, अल्लाह के सामने रो रहा है, तो अल्लाह उसी को ना माफ़ कर देगा। जी हाँ, हर एक को अलग अलग चीज़ें मिलती है सही मेहनत करने की वजह से, अपने अपने सलाहियों की वजह से। जी हाँ, इसे इस काम के अंदर क्या बड़ी बड़ी खैर है, बड़ी खैर, बड़े नफ़े, हाँ अपने अपने मेहनत से लोग उसे कमाएंगे। जी हाँ, बारिश के पानी की तरह, बारिश के पानी में बड़ी खैर है, फूल भी इससे होते हैं, फल भी इससे होते हैं, अनाज भी इससे होते हैं, बाग समंदरों में मोती भी बारिश के पानी होते हैं। जी हाँ, सारी चीज़ें पानी से बनती है, वजअलना मिनल माए कुल्ल शयइन हय, पानी से हमने हर चीज़ को आबाद किया, ये कह रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रास्ता लेकर आए हैं वो बारिश के पानी की तरह से, ये हदीसों में है, इसमें हदीसों में मसल मा बअसनी अल्लाहु मिनल इल्म वहुदा कमसल गैस, कि जो इल्म हिदायत देकर मुझे खुदा ने भेजा है वो बारिश के पानी की तरह से, कि नफ़ा ही नफ़ा, नफ़ा ही नफ़ा बारिश के पानी में, उसको मुबारक पानी कहा है अल्लाह, हमने आसमान से मुबारक पानी उतारा है, यानी बहुत नफ़े वाला। ऐसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत, आपकी दावत, आपकी नबूवत, ये भी ऐसे ही है, मिसाल दी है। समझ में आ रही बात, इरादे करो, क्या करो, अल्लाह को अपना इरादा बताना है, लोगों को नहीं बताना, अल्लाह मुझे ये करना है, मेरी मदद कर, फिर अल्लाह मदद देगा आजमाने के लिए कि देखे करता है नहीं करता, असबाब बनाएंगे, फिर असबाब बने फिर भी फिसल गया कि महरूम हो जाएगा, इसको दिया था फिर भी नहीं किया,
मुशरिकीन मक्का महरूम हुए, मुशरिकीन मक्का महरूम हुए, क्यों? कि उनको नबी दिया था उनके ख़ानदान में, को उन्होंने नहीं माना। अलम तरा इल्लज़ीना बदलू नेमतल्लाहि कुफ्रा, ये उनके बारे में उतरी, ये दिखाने उनको जिनके जिन्होंने अल्लाह की नेमत के जवाब में नाशुक्री की है, यानी मुशरिकीन मक्का। फिर अल्लाह ने उनको उजाड़ दिया, वहाँ से महरूम हो गए। जी हाँ, अल्लाह हिफाजत फरमावे, इसलिए चौकन्ना रहना है अल्लाह के मामले में। जी हाँ, हुक्म है क्या चौकन्ने रहो, भूल भी हो जाएगी, गुनाह भी हो जाएगा, उससे आदमी महरूम नहीं होता। जी हाँ, गुनाह माफ़ हो जाएंगे, माफ़ी मांगेंगे तो तौबा कबूल करेंगे, वो खुश हो जाएंगे तौबा से। इसलिए अल्लाह से उम्मीदवार रहें, हदीसों में कि अल्लाह से उम्मीदवार रहो, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो। जी हाँ, फिर जैसा गुमान होगा वैसा करेंगे, अल्लाह से उम्मीदवार रहो और अल्लाह की बशारतें सुनो, अल्लाह की बशारतें सुनो और उम्मीदवार रहो। अल्लाह ऐसे हालात लाएगा जो तुम्हें खुश कर देगा, ये है। तैयार हैं इसके लिए? अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको तौफीक दे। अब जो जो तकाजे आपके सामने रखे जाएंगे उसे ओढ़ लो, जान माल की जो अमानत है वो इसके लिए है, पहले नंबर में दीन के लिए जान माल दिया है, दूसरे नंबर में अपनी ज़रूरत के लिए दिया है।